हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ऐसा करते हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि आपने थंबनेल में ही देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, कि क्या बताने वाला है राहुल भाई, तो आप लोगों को बताने वाला हूँ हिंदी कॉल सेंटर के बारे में। ठीक है, आप लोगों में से एक भाई ने कमेंट किया कि भाई थोड़ा सा हिंदी कॉल सेंटर के बारे में बताओ, ये थोड़ा डिटेल में बताओ, कोई क्लास इंडिविजुअल क्लास के लिए नहीं, सबके लिए बताओ थोड़ा बढ़िया से, ताकि हम लोग समझ पाए हिंदी कॉल सेंटर के बारे में। तो वही बात इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, हमारा एक व्लॉग का चैनल है जिसका नाम है राहुल जेखर लव स्टोरी, और एक चैनल है शॉर्ट जिसका नाम है निशा जेखर शॉर्ट। उन दोनों को भी सपोर्ट कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। देख लो कितना पसीना छू रहा है, गर्मी से दिख रहा है ना, शर्ट वगैरह पूरा भीग रहा है मेरा पसीना से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, और अच्छा लगेगा तो कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो भाई। आप लोगों के लिए इतना गर्मी झेल करके वीडियोस बनाते हैं, आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, देख रहे हो ना, लाइव है ना, कोई ये मतलब मिलावटी तो नहीं। देख लो सामने दिख रही है, पूरा शर्ट है भीगा हुआ मेरा, पीछे भी भीग चुका है अच्छा से, देखो इधर दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, देख रहे हो ना भाई। तो इसलिए कहेंगे आप लोग सपोर्ट कीजिए भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ ऐसे गर्मी में पंखा बंद करके, क्योंकि आप ही लोग में से एक भाई ने कमेंट किया था भैया थोड़ा सा नॉइज़ आता है ज़्यादा, तो अपना पंखा अपना बंद करके वीडियो शूट कीजिए प्लीज़ भाई। तो आप ही में से एक भाई ने कहा, तो उन भाई की बात रखने के लिए हम इतनी गर्मी झेल रहे हैं, लेकिन वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे ज़रूर, वो भी पंखा बंद करके। तो आप लोग भी ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए बातें करते हैं, अब आगे अब बात बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने कह दिया हिंदी कॉल सेंटर, तो कॉल सेंटर सबसे पहले जानिए होता गया, तो कॉल सेंटर का जॉब होता है भाई कॉलिंग का जॉब, बोले तो टेली कॉलिंग भी इसे बहुत कोई कहते हैं, कॉल सेंटर भी कहते हैं। तो अपने अपने भाषा में जो समझ में आए वो कह सकते हैं, पर ये शॉर्टकट बोलूँ तो कॉलिंग का ही जॉब है, कॉल सेंटर, टेली कॉलिंग जो भी कहिए ये कॉलिंग का जॉब है, ठीक है। कस्टमर केयर कह सकते हो, ये सब भी कह सकते हो, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बहुत लोग कहते हैं, ये भी कहिए। ये हिंदी वाली के लिए मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो होता क्या है, तो पहले बताऊँ, कॉलिंग का जॉब होता है जिसमें एक होता है आउट बाउंड, एक होता है इन बाउंड। बोले तो एक में जो है उधर से ही कॉल आएगी तो आपको उनकी मतलब क्वेरी को डील करना, एक में होता है हमें खुद से फ़ोन लगा करके अपना क्वेरी को रखना, सर ऐसा ऐसा हमारे पास ये ऑफर आया हुआ है, लेना चाहेंगे। जैसे अभी अब मेट्रोज पे देखिएगा, अधिकांश में अब डायरेक्ट ही मिल जाती हैं, समझ गए कि ऐसे तो फ़ोन उठाते नहीं लोग, डायरेक्ट मिल जाते हैं, वहीं बात करते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। पर वहाँ भी लोग भाई इग्नोर कर देते हैं कॉल सेंटर वालों को, पर भाई उनका भी जॉब बहुत ही मेहनत का जॉब है। जो बंदा कॉल सेंटर का जॉब एक बार कर लिया, चाहे डायरेक्ट हो पेरोल पे या फिर भाई बैकएंड से ही क्यों ना कर रहे हो, एक बार कर लिया ना उसके अंदर बहुत एक्सपीरियंस आ जाएगी कि कैसे लोगों से बात किया जाता है, कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, चाहे फ़ोन पे हो या सामने, दोनों में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। चलिए अब इन बाउंड आउट बाउंड में अब डील करते हैं। तो एक में जैसा कि मैंने बताया कॉल उधर से आता है, जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए अमेजोन ले लीजिए, तो आप ले लीजिए फ्लिपकार्ट ले लीजिए, या फिर आप कुछ भी लिए, जैसे कि कस्टमर केयर से आपको बात करना हो SBI या कहीं भी, तो उनको हम फ़ोन करते हैं, मैम ऐसा ऐसा बात है, हमने जी ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया था आपके फ्लिपकार्ट से जी, पर ये प्रोडक्ट में कुछ इशू आ गई और मैं चाहता हूँ इसे आप एक्सचेंज करो, ठीक है, दूसरा दो, या फिर इसके बारे में मुझे ये हो गया वो हो गया, जो भी हो गया वो बात करते हैं। तो आप इस तरह से उनसे बात कर सकते हो। एक होता है उधर से आते हैं, मतलब हम लोग जो करते हैं फ़ोन, ये बता रहा हूँ बढ़िया से, फिर पूछते हैं, जैसे कि फिर बताऊँ तो अमेज़ॉन पे भी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, उनको कहते हैं विदाउट टारगेट भी कर सकते हो, कि उन्हीं को वो कॉल आते हैं, तो टारगेट क्या है, विदाउट टारगेट है उन पे, मतलब कस्टमर आए तो उनकी क्वेरी को डील किए, वरना बैठिए वैसे कस्टमर आते ही रहते हैं, फ़ोन आते ही रहते हैं ऑल ओवर इंडिया भाई, किसी न किसी को तो क्वेरी होता ही है। तो एक ये हो गया, एक हम ही लोग करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे, सर अभी क्रेडिट कार्ड आया हुआ, मैं अक्सर आप लोगों को बताया हूँ कि मैं रिलायंस मॉल में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करता हूँ ट्रेंड्स में स्पेशली, तो ट्रेंड्स से मुझे बहुत कॉल आते रहते हैं, सर अभी ये ऑफ़र चल रहा है 50% ऑफ 40% ऑफ चल रहा है, सर सीजन का सेल आया हुआ है सर, तो आप लेना चाहेंगे सर तो आ जाइए अपने नियर बाई किसी भी ट्रेंड्स में जा करके आप शॉपिंग कर लो सर। तो ऐसा होता है कि एक में वही बोलते हो, प्लस ऐसे भी होते हैं कस्टमर केयर का कॉल जो उधर से आते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह भी सेल करना होता है, सर हमारे पास ये क्रेडिट कार्ड आया हुआ है HDFC ICICI आएगा SBI का, जिसका भी ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहेंगे सर, हमारे क्रेडिट कार्ड पर ये ऑफर चल रहा है, लाउंज की एक्सेस रहेगी तो ये रहेगी तो वो रहेगी, ऐसी ऐसी होती है भाई, वो देते हैं। तो इसी में एक होता है इंग्लिश होता है, एक होता है हिंदी, बिल्कुल ये बात सही है, एक भाई का एक कमेंट बहुत बढ़िया रहा कि ये इंग्लिश भी होता है कॉल सेंटर का जो, वो हिंदी भी होता है। इंग्लिश अक्सर इंडिया में तो बहुत कम जान से इंग्लिश रहती है, पर हाँ रहती है भाई, 30% लोग इंग्लिश में भी, यहाँ तो भाई न्यूज़पेपर भी इंग्लिश में ही मिलते हैं, हिंदी तो ढूंढने पर ही मिलता है न्यूज़पेपर, सच बता रहा हूँ, अधिकांश लोगों के हाथों में देखता हूँ तो इंग्लिश न्यूज़पेपर मिलते हैं, ठीक है। और इधर के लोग इंग्लिश में बात करना कुछ ज़्यादा ही प्रीफर करते हैं, मेट्रोज में भी अक्सर लड़कियों को देखूंगा एक दूसरे से इंग्लिश में ही बात करती है, तो हाँ इंग्लिश
इंग्लिश की भी वैल्यू है भाई, पर यहाँ बात करना है हिंदी वाले में। इंग्लिश चलिए, जैसे कि इंटरनेशनल कॉलिंग वगैरह करोगे, BPO वगैरह, तो उनमें तो स्पेशली इंग्लिश ही चाहिए, पर यहाँ हिंदी भी चल जाएंगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो हिंदी वाले में बात करते हैं कि हिंदी अगर जो मैं सिर्फ जानता हूँ, मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, तो क्या मेरी जॉब कॉल सेंटर में लग जाएगी? हाँ भाई, बिल्कुल ही लग जाएगी। थोड़ी बहुत भी नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ी बहुत का मतलब दो चार शब्द तो जानते ही होंगे। मैंगो मतलब आम, एप्पल मतलब सेब, ये सब तो जानते ही होंगे, मतलब कुछ बहुत जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपकी जॉब लग सकती है। और ऐसा है कि इसमें अच्छी खासी सैलरी कमा सकते हो, ऐसा नहीं कि सैलरी थोड़ी बहुत, बहुत ज़्यादा इसमें सैलरी कमा सकते हो अगर जो आप कुछ टाइम करते गए इसमें। क्लास तो मैटर ही नहीं करता है कि आप किस क्लास में, मैटर करता है तो वो एक्सपीरियंस है, आपके अंदर क्या एक्सपीरियंस है, आप कैसे कस्टमर से डील करते हो, कैसे कस्टमर को इम्प्रेस करते हो, ये मैटर करता है। तो ये कॉलिंग का जो जॉब है, ये आपके क्वालिफिकेशन बहुत कम इसमें मैटर करती है, सबसे ज़्यादा जो मैटर करती है इसमें एक्सपीरियंस मैटर करती है। अगर जो आप फ्रेशर हो तो स्टार्टिंग में कम सैलरी देंगे, ये बात मैं एग्री करता हूँ, पर हाँ इनका इंसेंटिव भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर जो इनके लिए आप कस्टमर वगैरह लाते हैं तो अच्छे खासे इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है, तो अच्छे खासे इंसेंटिव भी कमाओगे, प्लस सैलरी भी मिलेगी। और ये सब क्या करते हैं, अब नया सिस्टम निकाले, ट्रिप भी दे देते हैं, ठीक है, 6 महीने में एक बार ये ट्रिप दे देते, जाइए कहाँ आपको ऑल ओवर इंडिया में घूमने का दिल करता है, जिसका 50% खर्च हम देंगे, 50% आपको पे करना होगा, ऐसे करके भी घुमा देते हैं। प्लस और क्या क्या ऑफर दे देते हैं कि 10 दिन का टाइम है, 10 दिन में अगर जो आपने हमें 2-3 कस्टमर ला करके दे दिए, वो कुछ लिमिट बना देते हैं, तो 1 ग्राम गोल्ड आपको मिलेंगे, या चांदी का सिक्का मिलेगा, तो मेडल मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, बहुत सारे वो ऑफर देते रहते हैं, जिससे कॉलिंग का जॉब करने वालों को और मोटिवेशन मिलती है और वो लोग सीखते चले जाते हैं और अच्छी खासी कस्टमर भी लाते हैं। अगर जो आपके अंदर कॉलिंग का एक्सपीरियंस आ गया मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ कसम से, अधिकांश कंपनीज आपको हायर कर लेंगी इजीली अच्छी खासी सैलरी पे, क्वालिफिकेशन डजेंट मैटर रहेगी, ठीक है, अगर जो एक्सपीरियंस है कॉलिंग की। तो अक्सर मैं बताते रहता हूँ स्पाइस जेट में जो एयरलाइंस की है, मैंने जब इंटरव्यू देने गया था मैं, तो वहाँ जिसका जिसका एक्सपीरियंस रहता था उसको तो तुरंत कहता था ठीक है आप जाइए नेक्स्ट वाले रूम में बैठ कीजिए, बाकी जो नहीं पास हुआ निकलिए, और उससे ज़्यादा इंटरव्यू भी नहीं लेते थे जो एक्सपीरियंस है कॉल सेंटर का, जाइए बैठिए आपका आगे का राउंड होगा इससे, क्योंकि वो सब जानते हैं कि भाई साल भर 6 महीना जब झेल लिया है ना बंदा, तो इसको सब कुछ आ चुका है, इसको अब समझाने की ज़रूरत नहीं, ये तो अब कस्टमर को बढ़िया समझा देगा। तो कॉलिंग का जॉब कहूँगा सबसे बेस्ट है, हिंदी इंग्लिश दोनों प्रकार के होते हैं, पर हाँ आपकी हिंदी ही सिर्फ नॉलेज है तो भी आप कर सकते हो। और फिर भी बात किया जाए कि भाई फिर भी थोड़ा बहुत सैलरी बता दो भाई, तो बाई दी आप 10th पास हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपकी सैलरी ज़्यादा नहीं रहेगी, 12 से 15 हज़ार रह सकती है, ठीक है। अगर जो आप एक्सपीरियंस हो, वही 10th पास हो, एक्सपीरियंस साल 2 साल का है, साल भर का ही मान रहा हूँ, तो 20 हज़ार के ऊपर सैलरी जोड़ लो, ठीक है। ऐसे ही 12th पास हो, इसमें भी 12 से 15 हज़ार तक की सैलरी जाएगी, पर एक्सपीरियंस हो तो इसमें भी 22-25 हज़ार के बीच सैलरी सोच लो, साल भर का कम से कम एक्सपीरियंस रहा तो। अगर जो आप ग्रेजुएट हो, 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस है, 25-30 हज़ार आपका कोई नहीं काटने वाला, सैलरी बता रहा हूँ। और उसके बाद बोनस जो मिलेंगे, तो इंसेंटिव मिलेंगे, तो घूमने का ट्रिप मिलेगा, तो 1 ग्राम सोना मिलेगा, तो चांदी मिलेगा, ये सब ऑफर भी आप लोग उठाते रहोगे, कस्टमर वगैरह को लाते रहोगे तो, ठीक है। क्योंकि कॉलिंग में यही होता है कि आप सामने से नहीं रहते हो उनके पास से, आपको फ़ोन पे होता है बात करना, ठीक है। फ़ोन पे कस्टमर को अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल वाली बात है, सामने तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, पर फ़ोन पे भी मुश्किल है भाई, वो फ़ोन कट कर सकते हैं, सामने से वो मुंह नहीं उतना मोड़ पाएंगे, पर फ़ोन पे वो कट कर देंगे डायरेक्ट, गाली वाली भी दे देगा, ऐसा भी होता है। इन सब चीज़ को जो बंदा फेस कर लेगा, बताओ उनको वैल्यू मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा भाई, ठीक है। पर फ़ोन पे बात करने में ये भी एक फ़ायदा है कि एक्सपीरियंस हो तो सीख भी बहुत कुछ जाओगे, चलो ना ये नहीं इंप्रेस हुआ अगला कस्टमर तो होगा ना, अगला तो होगा, इसमें सीखते भी आप बहुत कुछ चले जाओगे। अगर जो 6 महीना या साल वर्क कर लिए, अच्छी खासी सैलरी आपको अच्छी अच्छी कंपनीज दे देंगी। तो उम्मीद करता हूँ हिंदी कॉल सेंटर के बारे में जो जो बताना था बता दिए, कि हाई क्वालिफिकेशन ना हो फिर भी अच्छी खासी आप सैलरी कमा सकते हो, अच्छे खासे भाई, बहुत ज़्यादा सैलरी, मैंने बोला नहीं सब कम है, जैसे जैसे 10-10 साल जो पुराना होगा भाई, सीनियर वीनियर सब बन जाएगा वो सब, जैसे 10 साल तो कोई एक कॉल सेंटर में टिकता नहीं, फिर वो बेस्ट कंपनी में जाना चाहता है इंडिया के, और अधिकांश को मिल भी जाती है भाई, क्योंकि एक्सपीरियंस जो इतना आ जाता है कि नहीं। बाकी चलिए इस वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे, देखकर कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, और अच्छा लगा तो कमेंट करो, और अच्छा लगा तो शेयर करो, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे भाई। उम्मीद करते हैं इस पसीने का आप लोग, जो पसीना बहा रहा हो ना उसका कदर आप लोग रखोगे, ठीक है। चलिए जय हिंद दोस्तों, लव यू मेरे भाई। कुछ बात करना होगा इंस्टाग्राम पे आ जाना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय।